दोस्तों गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। वैसे तो गुड मॉर्निंग अभी नहीं है, 12 बज रहे हैं। और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और निकल चुके हैं हम घर से एक बार। अभी खुशी की बात ये है कि मतलब फाइनली हमने चढ़ाई जो वो कंप्लीट कर ली है। हाय करो, बोलो हाय। कहाँ पे आई गाड़ी? तो जिस दिन भी इसने बाजार आना होता है या नड्डी वाली साइड आना तो थोड़ा खुश लगता है, लेकिन आज जो एक्चुअली इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो पता नहीं शादी भी कैसे हम देख पाएंगे। ठंड आ रही है इसको, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी हुई है इसको और खांसी भी लग रही है। बाकी मैडम भी तैयार होके रेडी है, बैग काफ़ी भर लिया अपने सामान से। एक्चुअली मैं तो हालत तो टाइट दे रही होनी है, चढ़ाई जो इससे चढ़ ही नहीं जाती है ढंग से, वो तो है भाई। आजकल बच्चों को लेके आना ऊपर से चढ़ाई चढ़ना तो मतलब वो इतना आसान नहीं होता। और पीछे का व्यू आप देख ही रहे होंगे पहाड़ों में, देखिए किस तरह का व्यू। अभी हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है। बाकी पता नहीं अभी तक हमारा जो प्लान फाइनल नहीं हो पाया कि गाड़ी में जाना है या बाइक में जाना है। वैसे एक्चुअली हमने सोच रहे थे शाम को कि बाइक में जाएंगे, तो सुबह घर से जो हमने निकलना था 9 बजे के करीब, सुबह आने की तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि बाइक में नहीं जाएंगे। तो अभी हम लेट आए घर से मतलब 11-12 बजे। तो अभी देखते हैं, फाइनल तो नहीं है लेकिन गाड़ी में जाना है ना, गाड़ी करते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, बस आप बने रहें। फाइनली यार दोस्तों शादी वाले घर में जो हम पहुंच चुके हैं, यानी कि द्रीणी में बलेड गांव में। तो अभी हम शादी वाले घर में ही हैं। एक्चुअली हमने हाय कर लो एक बार, बोलो हाय। ओके तो ये हनी है, आपको पता ही है सबको। और एक्चुअली हमने जो दिन में जो वीडियो थी रास्ते की वो नहीं बना पाए, वो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हम गाड़ी में ही थे। तो गाड़ी में मतलब को पता ही है, समझ रहे होंगे आप, फीलिंग वीडियो वगैरह बनाना कुछ ठीक नहीं लगता गाड़ी में। तो फिर हमने सीधा ही, मैंने सोचा कि हम वहाँ पे जाके सीधा जो वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे, जस्ट यहाँ पे हम पहुँचे थे करीब कोई 4 बजे के। तो अभी यहाँ पे पहुँचे हुए 1 घंटा हो गया है। तो मैं भी थोड़ा काम वाम कर रहा था, आते ही शुरू हो गए थे हम। तो इस साइड टेंट वेंट लगे हुए हैं और इस साइड जो है ये लगा हुआ एक टेंट, इस साइड खाना वाना इस साइड यहाँ पे बन रहा है। और नीचे लगा हुआ एक टेंट जहाँ पे डीजे वगैरह लगेंगे, पर डीजे वगैरह जो वो अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। और बाकी जो मामे वाले आते हैं, यानी कि हमें हमारे यहाँ बोलते हैं ननैली, और तो वो आएंगे कम से कम 8-9 बजे रात को। और बाकी जो प्रोग्राम होगा उसके बाद आने के बाद मतलब 11-12 जो बच जाएंगे। और बाकी जो बारात आने वाली है वो आएगी सुबह, यानी कि लगभग बारात पहुँचेगी यहाँ पर 5 या 6 बजे, क्योंकि जल्दी लगन है, मतलब 6:30 बजे शायद लगन है, 6, 6:30 बजे और 7 बजे। बाकी यार दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ पे चारों साइड का, मतलब क्या ही अल्टीमेट व्यू यार, क्या ही बोलूँ मैं। हमारे यहाँ इस टाइम जो अंधेरा हो चुका होता है लगभग, तो अभी 5 बज रहे हैं और यहाँ पर मतलब देख सकते हो आप कितना मतलब लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि धूप ही लगी हुई है एक हिसाब से। तो ये है कुछ व्यू इस साइड का, चारों साइड का। ये देखिए कुछ घर जो वो साइड है, हम एक्चुअली उस वाली साइड जो है आए थे, रोड यहाँ पे ही है। एक्चुअली रोड जो वो बिल्कुल मतलब घर तक ही है इनके। और बाकी कुछ इस साइड का भी, ये देखिए इस साइड, और ये देखिए इस साइड गेट वगैरह जो लगा हुआ है। और ये है कुछ घर इस साइड हैं, और ये रहा ऊपर का भी हो कुछ। तो आप कहाँ है चंदा मामा? एक्चुअली हनी को जो अभी वो दिख रहा है चंदा मामा, तो वो बोल रहा है आपको, शायद आपको भी दिख गया होगा। तो अभी गाना गाओ, चंदा मामा वाला गाना गाओ। कहाँ है चंदा मामा, कहाँ है? ओके